माँ कैकेयी महाराज दशरथ से कहती है, प्रभु मेरे मन को जो पहला वरदान भा रहा है क्या? कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर बरतन टीका। माँ कैकेयी महाराज दशरथ के पास खड़ी हुई, कहा महाराज मेरे मन को मेरे हृदय को जो पहला वरदान भा रहा है वो ये है कि राम के स्थान पर मेरे भरत का राज्याभिषेक हो, मेरा भरत राजा बने। महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना थोड़ा लगा, अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है इसे लगता हो कि राम राजा न बने, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ पहला वरदान मैंने तुम्हें दे दिया, राम राजा नहीं बनेंगे भरत ही राजा बनेंगे। लेकिन आपको बताऊं कि दूसरा वरदान मांगने से पहले माँ कैकेयी स्वयं डर गई, भयभीत हो गई, और उस वरदान को मांगने से पहले माँ कैकेयी महाराज दशरथ के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहती है मांगा तो सारा बर कर जो, मांगा तू सर बर कर जोरी, पुरवाहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवाहु नाथ मनोरथ मोरी, पापस वे तापस वेश विशेष उदासी, चौदह वर्ष राम वनवासी, चौदह वर्ष राम वनवासी, मृग बचान भूप ही अशोकु, शशिकर छुआता विकल जिन कोकु, शशिकर छुआता विकल जिन कोकु, शशिकर छुआता विकल जिन कोकु, शशिकर छुआत विकल जिन कोकु। माँ कैकेयी ने पहला वरदान मांगा, महाराज राम के स्थान पर भरत को राज्याभिषेक होना चाहिए, भरत राजा बनने चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा चलो कोई बात नहीं दिया, लेकिन दूसरा वरदान मांगने से पहले माँ कैकेयी महाराज दशरथ के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, घनाथ मांगा हूं दो सर बर कर जोरी, पुरवाहु नाथ मनोरथ मोरी। कहा प्रभु मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हूं, आपसे वरदान मांगती हूं, मेरी इच्छा पूर्ण करिए। क्या? कहा महाराज मेरे मन को जो दूसरा वरदान भा रहा है वो ये है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास तपस्वियों के वेश में उदासीन व्रत धारण करके जाएं और 14 वर्षों तक वन में रहें।